गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में क्या पढ़ा रहा था, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। उसमें मैंने बताया था पंजीकृत व्यवसाय के विशेषाधिकार और नियुक्तियाँ, ठीक है, पंजीकृत व्यवसाय पढ़ा रहा था। अब उसमें क्या पढ़ना है, श्रमिक संघ के नाम का परिवर्तन, समामेलन तथा विघटन संबंधी विधि क्या है, मतलब जो व्यवसाय संघ रजिस्ट्रेशन हो गया उसका सम्मेलन क्या है, कैसे नाम परिवर्तन कर सकता है, कैसे क्या समामेलन हो जाएगा, हो जाएगा क्या, कब विघटन होगा, ठीक। तो यह हम क्या पढ़ रहे थे, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो हम ये पढ़ रहे थे, इसमें व्यवसाय संघ में व्यवसाय सारी चीजें पढ़े हैं, ठीक। अभी यहाँ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि व्यवसाय संघ का, व्यवसाय जो श्रमिक संघ है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके नाम में परिवर्तन कब होगा, सम्मेलन कब होगा, ठीक, और इसका विघटन कब होगा। तो सेक्शन संघ के नाम में परिवर्तन, मतलब श्रमिक संघ के नाम में परिवर्तन, श्रमिक संघ के नाम में परिवर्तन, ठीक। सेक्शन 23, सेक्शन 23 द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 23 में क्या बताया गया है कि श्रमिक संघ के नाम में कैसे परिवर्तन होगा, हाँ, कब कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, ठीक। श्रमिक संघ के नाम के परिवर्तन में क्या प्रक्रिया है, श्रमिक संघ के नाम में कब परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। तो सेक्शन 23 बता रहा है, कौन किसका, सेक्शन 23 द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, ये बता रहा है क्या, सेक्शन 23 बता रहा है कि नाम में कैसे परिवर्तन होगा, चेंज इज नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। कोई भी श्रमिक संघ अपने नाम में परिवर्तन निम्न प्रकार से कर सकता है, ठीक, क्या कर सकता है, निम्न प्रकार से नाम में परिवर्तन कर सकता है। पहला, जब पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों को कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों, दो तिहाई जो कंपनी श्रमिक संघ के, जो श्रमिक कोई भी पंजीकृत व्यवसाय संघ है उसके क्या है, कुल संख्या जितनी है, ठीक है, उसके में से कम 2/3 सदस्य नाम परिवर्तन के लिए सहमत हो गए, ठीक। तो इस दशा में नाम का परिवर्तन हो सकता है। दूसरा क्या है, उस हेतु सदस्य समस्त सदस्यों को सूचित किया गया हो, मतलब नाम परिवर्तन के लिए सारे सदस्यों को सूचना दी गई हो कि कंपनी क्या, चाहे व्यवसाय संघ का, इस व्यवसाय संघ का नाम परिवर्तन होने जा रहा है, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, ठीक, ये प्रक्रिया है, ठीक। व्यवसाय संघ के नाम परिवर्तन के लिए क्या है, कुल जो रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ है उसके कुल सदस्यों की, जितने सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य, ठीक है, और ऐसे संशोधन से पूर्व, ऐसे नाम परिवर्तन के पूर्व सभी सदस्यों को सूचना दे दी गई हो और सभी लोग सहमत हो, तब नाम परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। सेक्शन अब है आगे, सेक्शन 24, संघों का सम्मेलन, सेक्शन 24 में क्या है, संघों का सम्मेलन, ठीक है, समामेलन, ठीक है। अब ये क्या होता है, संघों का समामेलन क्या होगा, उसके लिए कब होगा, ठीक है, अब ये बता रहे हैं हम आपको, ठीक। जब कोई
दो या अधिक पंजीकृत श्रमिक संघ मिलकर एक श्रमिक संघ बन सकते हैं, ठीक है, चाहे उनका विघटन हो या न हो, अथवा ऐसे श्रमिक संघ हो कि निधि का विभाजन हो या न हो, अथवा उनमें से हर एक या एक ने उपबंधित किया हो कि ऐसे प्रत्येक श्रमिक संघ के कम से कम आधे सदस्यों के मत लिए जाएं, और यह कि 60% मतों को प्रस्ताव के पक्ष में समझा जाए। कोई सम्मेलन, जैसे कोई कंपनी का एकीकरण करना है, कई व्यवसाय संघ है, एक व्यक्ति के कई व्यवसाय संघ है, तो उनका सम्मेलन करना, एक में मिलाना है, एकीकरण करना है, तो क्या करेंगे, तो ऐसा एकीकरण करने से पूर्व क्या करेंगे, ऐसा एकीकरण करने से पूर्व जो सदस्य श्रमिक संघ के कम से कम आधे सदस्य जो है वो इस बात के एकीकरण के पक्ष में हो और 60% मतों के प्रस्ताव से पास किया गया हो कि हाँ, मतलब इस व्यवसाय संघ का और इस व्यवसाय संघ का एकीकरण कर दिया जाए। ये सेक्शन किसमें बताया गया, सेक्शन 24 में 60% मतों द्वारा एकीकरण किया जा सकता है। दो या अधिक, मतलब दो से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक तो होगा ही नहीं क्योंकि एक तो एक सिंगल ही है, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए, क्राइटेरिया ये दो से अधिक होना चाहिए। तो उनके लिए यदि एक में ज्वाइंट करना है, एक में एकीकृत करना है, तो क्या है, आधे सदस्य जो है श्रमिक संघ के, जो आधे सदस्य है वो सहमत होने चाहिए और 60% मत भी मिलना चाहिए कि हाँ एकीकरण कर दिया जाए, यूं ही एकीकरण नहीं होगा। सेक्शन 24 कहती है, सेक्शन 24 क्या है, प्रक्रिया बता रही है कि व्यवसाय श्रमिक संघ का कब एकीकरण किया जा सकता है। सेक्शन 24 किसका, ट्रेड यूनियन एक्ट का, ठीक। अब सेक्शन 25, ऐसे श्रमिक संघ का नाम परिवर्तन और समामेलन की सूचना क्या होगी, नोटिस। सूचना क्या होगी, ऐसे क्या होगी, सूचना की प्रक्रिया क्या होगी, ऐसे व्यवसाय संघ या श्रमिक संघ जिसमें जिसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है या समामेलन किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है, तो उनका क्या होगा, उनका की क्या प्रक्रिया होगी, सूचना देने की क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में सेक्शन 25 बता रहा है। ट्रेड यूनियन एक्ट की व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 25 बता रहा है, ठीक। अब 25 क्या कहता है, ये देखिए, प्रत्येक नाम के परिवर्तन तथा प्रत्येक एकीकरण के परिवर्तन की सूचना, नाम के परिवर्तन की स्थिति में नाम परिवर्तन किए जाने वाले संघ के सचिव तथा उसके 7 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। संघ के सचिव नाम, संघ के सचिव और नाम 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्य हस्ताक्षरित होगी, और एकीकरण के मामले में प्रत्येक श्रमिक संघ जो उसके पक्षकार हैं के सचिव तथा 7 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। हस्ताक्षरित होगा। तत्पश्चात यह सूचना पंजीयक रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी और जहाँ एकीकरण हुए श्रमिक संघ का मुख्य कार्यालय विभिन्न राज्यों में स्थित है, तो ऐसे प्रत्येक राज्य के पंजीयक के पास यह हस्ताक्षर सूचना भेजी जाएगी। देखिए, यदि नाम में परिवर्तन करना है तो श्रमिक संघ के सचिव के पास क्या होगा, सचिव का हस्ताक्षर होगा और प्लस 7 सदस्यों का, उसके 7 सदस्यों का, ठीक, हस्ताक्षर सहित सूचना होगी, ठीक है, हस्ताक्षर होगा और उसके बाद यह प्रक्रिया क्या होगी, फिर रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। सेक्शन 25 में बताया जा रहा है कि यदि श्रमिक संघ के नाम में परिवर्तन करना है तो
संघ के सचिव और प्लस 7 सदस्यों के द्वारा, ठीक, क्या होगा, हस्ताक्षरित होगा। और ये सूचना किसे भेजा, रजिस्ट्रार के पास भेजा जाए कि ऐसे संघ का नाम परिवर्तन कर दिया जाए। अब सम्मेलन के लिए भी सचिव और सम्मेलन के लिए कंपनी के सचिव या 7 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित, इसके लिए भी एकीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया है, ठीक, तो भेजी जाएगी, ठीक, रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी। यदि एकीकरण के लिए मतलब सम्मेलन के लिए यदि दो यदि अलग अलग राज्यों में है व्यवसाय संघ, तो प्रत्येक राज्य के पंजीयन के पास हस्ताक्षर सूचना भेजे, मतलब यदि एकीकरण किया जा रहा है, दो कंपनियों का एकीकरण किया जा रहा है और दोनों कंपनियां कहाँ है, अलग अलग स्टेट में है, तो क्या होगा, अलग अलग स्टेट में है तो वो अलग अलग राज्य में रजिस्ट्रार के पास जो पंजीकरण किया है उसके पास ये सारी सूचना भेज के फिर तब जाके एकीकरण होगा। फिर आगे क्या है, यदि एकीकृत श्रमिक संघ का प्रस्तावित नाम ऐसे चालू श्रमिक संघ जो पंजीकृत हो गया है के नाम के समान है अथवा पंजीकृत के मत में ऐसे नाम में समानता में बहुत निकटता है जिससे जनता तो दोनों संघों को धोखा खा जाने की संभावना है, तो अपने नाम पर देखिए, यदि अलग एकीकरण में क्या है दूसरे राज्य में है और यदि दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहा है, एक राज्य में है और दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहा है और वहाँ शिफ्ट होने के बाद कोई ऐसी कंपनी का नाम चल रहा हो, इसी कंपनी के नाम से चल रहा हो, तो क्या होगा, तो ये कंपनी जब वहाँ से यहाँ आएगी, व्यवसाय से यहाँ आएगा, तो वो अपने नाम में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा परिवर्तन करने के लिए जिस राज्य में वो पंजीकरण किया करवाया है, ट्रांसफर करवा के आया है, एकीकृत हुआ है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार है उसके यहाँ सूचना दे दी जाएगी ऐसे नाम परिवर्तन के लिए, ठीक। पंजीकरण यदि संतुष्ट हो जाता है तो वो नाम का नाम चेंज कर सकता है, और यदि रजिस्ट्रार सारी प्रक्रियाओं से संतुष्ट हो जाता है तो वो क्या करेगा, ऐसे समय ऐसे श्रमिक संघ का नाम परिवर्तन कर सकता है या ऐसे श्रमिक संघ का एकीकरण कर सकता है, ठीक है। यदि धोखा देने में आशा से किया गया है, ठीक, तो ऐसा वो नहीं करेगा, उसे ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे श्रमिकों का नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता या ऐसे श्रमिक का एकीकरण श्रमिक संघ का एकीकरण नहीं किया जा सकता है, तो ठीक है, तो उद्देश्य उसका सही हो जाता है। यदि उद्देश्य सही नहीं है तो ऐसे पंजीकरण ऐसे रजिस्ट्रार पंजीकृत नहीं कर सकता। सेक्शन 26, इसका सेक्शन 26, सब सेक्शन 26 क्या कह रहा है, द ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 26 क्या कह रहा है, नाम परिवर्तन या सम्मेलन का प्रभाव, यदि प्रभाव क्या होते नाम सम्मेलन और नाम परिवर्तन और सम्मेलन का प्रभाव क्या होगा, यदि ऐसा कर दिया जाता है, ठीक है, एकीकृत कर दिया जाए, नाम का परिवर्तन कर दिया जा रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में सेक्शन 26 बताती है। क्या बता रही है, पंजीकृत श्रमिक संघ के नाम परिवर्तन का जहाँ तक संबंध है, यह श्रमिक संघ के अधिकारों तथा आधारों पर कोई प्रभाव न डालेगी अथवा किसी वैध कार्रवाई में इसका कोई प्रभाव न पड़ेगा। जो वैध कार्रवाई इसके पूर्व नाम से इसकी ओर से इसके विरुद्ध जारी या प्रारंभ की जा सकती थी, जहां दो या अधिक श्रमिक संघ का एकीकरण के प्रभाव का प्रश्न है या एकीकरण इन श्रमिक संघों में से किसी के अधिकार पर या उसके ऋणदाता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए, यदि किसी नाम का परिवर्तन हो गया है, किसी श्रमिक संघ का नाम में परिवर्तन हो गया है और ऐसे परिवर्तन से क्या हो रहा है, ऐसे परिवर्तन के बाद यदि कोई ऋणदाता हो या किसी नाम कोई उस नाम से धोखा खा रहा हो, कोई यदि कोई लेन देन हुआ है, तो वो ऐसे ही यथावत रूप बना रहेगा, ठीक, नाम परिवर्तन से उस लेन देन या उस प्रक्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एकीकरण यदि कर दिया गया है, ठीक, किसी श्रमिक संघ का एकीकरण कर दिया गया है और एक ऐसे एकीकरण से, ठीक है, किसी श्रमिक संघ में या उसके ऋणदाता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, कोई ऋणदाता है और उसका परिवर्तन हो गया या कोई माल उस श्रमिक संघ से खरीदा है, हाँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही यथावत रहेंगी, नाम परिवर्तन से या एकीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, उनके व्यवहार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब सेक्शन क्या है, सेक्शन 27, व्यवसाय संघ का विघटन।
व्यवसाय संघ का डिसोल्यूशन व्यवसाय संघ का डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन ठीक है, व्यवसाय संघ का विघटन डिसोल्यूशन ठीक। अब व्यवसाय संघ का विघटन कहां होगा, सेक्शन 27 में बताया गया है, द ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 27 में क्या बताया गया है, विघटन यदि ये सब कब व्यवसाय संघ का विघटन होगा ठीक है। तो व्यवसाय संघ का विघटन कब होगा, किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का विघटन सभी सदस्यों की सहमति पर निर्भर करता है ठीक। सभी सदस्य यदि सहमत हैं तो किसी व्यवसाय संघ का विघटन हो जाएगा। आगे क्या है, संघ का विघटन कई कारणों से होता है, जैसे अधिक सदस्यों का पृथक हो जाना या संघ के उद्देश्य का पूरा हो जाना। यदि संघ के सदस्य सभी सदस्य चाहते हैं कि इसका विघटन कर दिया जाए, इस संघ को समाप्त कर दिया जाए, तो समाप्त हो जाएगा, या उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, जिस कार्य के लिए बनाया गया था संघ श्रमिक संघ उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, तब इसको विघटित किया जा सकता है ठीक, तब इसको विघटित किया जा सकता है। या आधा से अधिक सदस्य पृथक हो गए हैं, मतलब उसमें से निकल गए हैं ठीक, तब इसका विघटन किया जा सकता है ठीक। यदि कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ विघटित कर दिया जाता है तो उसकी सूचना 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रेषित की जाएगी। 14 दिन के भीतर यदि कोई संघ का विघटन हो जाता है तो वो 14 दिन के अंदर क्या करेगा, 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को ऐसे विघटन की सूचना दी जाएगी ठीक। उक्त सूचना पर संघ के 7 सदस्यों तथा सचिवों के हस्ताक्षर होंगे। यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो उस नोटिस को रजिस्ट्रेट कर लेगा, उसके बाद संघ का विघटन कर देगा ठीक। यदि रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि उस संघ का विघटन कर दिया जाना चाहिए ठीक, और इसमें क्या है, श्रमिक संघ के सचिव और 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए सूचना देने के लिए ठीक, और यदि ऐसी सूचना पर रजिस्ट्रार को लगता है कि ऐसे व्यवसाय संघ का विघटन कर दिया जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसका विघटन कर सकता है ठीक। अब आपका हो गया व्यवसाय संघ खत्म ठीक, द ट्रेड यूनियन खत्म हो गया ठीक। अब मैं आप लोगों को इसके आगे कुछ और एक्ट्स हैं उन्हें पढ़ाऊंगा, आज के लिए बस इतना ही।